Assalamualaikum, मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक कि अल्लाह ताला सब दोस्तों को सेहत तंदुस्ती दोस्तों आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है अबू ज़ैबी की तरफ से जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अगर आप आ रहे हैं मे बी सब वीक में या नेक्स्ट वीक में या ईद के बाद फ़्लैटें ओपन हो जाती हैं तो आपको नारेज होना चाहिए कि अबू ज़ैबी के एयरपोर्ट पर आप कौन कौन से रूल कानून फ़ारो करने पड़ेंगे ये बहुत ज़रूरी है अगर हो सके तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए दो मिनट की ये वीडियो है ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है इसलिए आपको समझाना है मकसद मकसूद है और हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी कोई न्यूज़ आए तो मैं आप तक पहुँचा सकूँ तो बता जाऊँ अगर आप ग्रीन कंट्री की थे आ रहे हैं किसी ग्रीन मुल्क से आ रहे हैं अगर आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपको बता दूँ आपने छः दिन के बाद कोरोना टेस्ट करवाना है लेकिन आपने क्वारंटाइन नहीं करना अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है और आप ग्रीन कंट्री से आ रहे हैं तो आपको छः दिन और बारह दिन के साथ पी सी आर कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है वैक्सीन लगवाई हुई है और आप रेड कंट्री से आ रहे हैं तो वह से सुन लें ये आम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है सात दिन के लिए आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा कि आपने वैक्सीन लगवाई हुई भी है तो फिर भी आप रेड कंट्री से आ रहे हैं चाहे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश उन कंट्रियों से आ रहे हैं तो आपको सात दिन के लिए अब में क्वारंटाइन करना पड़ेगा अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई हुई है सुन लें बारह दिन के लिए क्वारंटाइन करना होगा या आपकी स्क्रीन पर पूरी डिटेल आ रही है बात बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर आके आप टेंशन परेशान हों कि इससे अच्छा है कि आपको पहले इंफॉर्मेशन हो ताकि अबुदैबी का कानून ये कल चेंज हुआ पहले पाँच दिन का क्वारंटाइन था जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई लेकिन आज से उन्होंने सात दिन का क्वारंटाइन लागू कर दिया है जो भी वैक्सीन रेड कंट्री से आ रहे हैं उनको सात दिन के लिए क्वारंटाइन करना पड़ेगा